अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज बात करेंगे एक नए टॉपिक के, उसमें जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको तो सारा पता है, द न्यू यूजर्स जिन्होंने अभी अभी अगर ये वाली वीडियो ऑन की है तो इससे पहले वाली वीडियोस भी आप सारी की सारी देख लें, दे आर ऑल यूजफुल और उनसे आपको बेनिफिट इंशाल्लाह होगा। सो दिस इज फॉर कॉन्टेक्ट, माई फेसबुक, ई मेल, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, स्काइप एंड यूट्यूब चैनल, इन सब का लिंक यहाँ पे लिखा गया है। और ये जो आपके कमेंट्स में, आप यहाँ पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, जो कोई क्वेश्चन है उसके बारे में पूछ सकते हैं। और इफ देयर इज सम सजेशन, आप समझते हैं किसी और टॉपिक के बारे में भी वीडियो बननी चाहिए, तो वो भी यहाँ पर आप अपनी सजेशन दे सकते हैं। आज बात करेंगे एक तो शॉपिंग में, सपोज यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग तो कौन कौन सी फ्रेजेज आपको इस्तेमाल करना पड़ सकती हैं। एंड दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है गुड लक। ठीक है, यूजुअली कोई भी हमें कोई काम करने के लिए जा रहा होता है, एजुकेशन हासिल करना चाह रहा है, कोई काम करना चाह रहा है, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो हम हमेशा एक ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ओके गुड लक, ओके गुड लक टू यू। तो आज हम कुछ न्यू वर्ड्स, न्यू फ्रेजेस सीखेंगे कि जो गुड लक की जगह हम कह सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द फ्रेजेस इन शॉपिंग। अब मिसाल के तौर पे आप कोई चीज जा रहे हैं, आप अपने लिए शर्ट आपने पसंद की है, आपको छोटा साइज चाहिए, तो आप कैसे कहेंगे, डू यू हैव अ स्मॉलर साइज, और डू यू को कैसे बोलना है, डू यू, ठीक है, यानी डू यू अलग अलग नहीं बोलना, डू यू हैव अ स्मॉलर साइज प्लीज। ठीक है, सो वेयर इज द चेंजिंग रूम, वेयर इज द चेंजिंग रूम, ओके तो चेंजिंग रूम कहां पर है, देन डू यू नो वेयर एल्स आई कुड ट्राई, ठीक है, यानी कहां पे मैं इसको ट्राई कर सकता हूं, डू यू हैव दिस आइटम इन स्टॉक, कोई भी आइटम आपने देखा या पहले लेके गए थे, अब आप पूछना चाह रहे हैं कि ये स्टॉक में आपके पास मजीद भी पड़ा है, तो आप क्या कहेंगे, डू यू हैव दिस आइटम इन स्टॉक। ठीक है, अब समटाइम्स आप डिस्काउंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो डू यू ऑफर अ कैश डिस्काउंट। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में पूछना चाह रहे हैं, सपोज किसी आप सुपर स्टोर में जहां पे हर चीज अवेलेबल है, तो डू यू हैव एनी स्ट्रॉबेरी, ठीक है, आप स्ट्रॉबेरी की जगह कोई भी लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह एनी की जगह एनी सम, यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स जो कि ग्रामर वाले टॉपिक में मैंने दिए हुए हैं। इसी के साथ अगर आप दूसरी प्लेलिस्ट देखें तो वहां पे ग्रामर का कोर्स भी मौजूद है और उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। देन नेक्स्ट, डू यू हैव अ रिफंड पॉलिसी, तो रिफंड मीन्स कि इफ यू आर अनेबल टू आर इफ यू डोंट लाइक दैट थिंग, कोई भी चीज आपने खरीदी आपको पसंद नहीं आई या बराबर नहीं आई या कोई भी इशू है, तो वो आप वापस करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। ठीक है, एंड समटाइम्स दिस ऑफर इज गिवन टू यू, और समटाइम्स ये ऑफर आपको नहीं होती, तो आप कन्फर्म करना चाह रहे हो तो आप कैसे पूछेंगे, डू यू हैव अ रिफंड पॉलिसी, ओके सो हाउ मच इज दिस, तो क्या मतलब है इसका, हाउ मच इज दिस, हाँ जी बोले आप लोग शाबाश, ठीक है, तो ये कितने का है, ये इसकी कितनी कीमत है। देन डू यू हैव अ बिगर साइज, ठीक है, कि कोई भी चीज है आपका शूज है, शर्ट है, एनीथिंग थिंग इज देयर, तो अगर आप उसे एक साइज बड़ा लेना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, डू यू हैव अ बिगर साइज। देन डू यू सेल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कौन सी होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं जो कुदरती हों, ठीक है, जो कुदरती उगाई जाती हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक, और अगर आप ये शॉपिंग मॉल्स में जाएं तो वहां पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अलग से मौजूद होती हैं। एंड कुड यू हेल्प मी प्लीज, ठीक है, कौन सी हेल्प चाहिए, कोई भी आपको मसला आ रहा है, कोई प्रॉपर जगह नहीं मिल रही, चीज नहीं मिल रही, कोई चीज आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो नहीं आपको मिल रही, तो आप क्या कहेंगे, कुड यू हेल्प मी प्लीज, ओके सो वेयर कैन आई वेट माई ग्रोसरीज, तो ग्रोसरीज में कहां पे इनका इनको मैं तोल सकता हूं, इनका मैं वजन करवा सकता हूं, तो ये वर्ड्स भी आप इसमें यूज करेंगे। इसी तरह अगर आप किसी चीज की वारंटी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, आप पूछना चाह रहे हैं कि इसकी कोई वारंटी या गारंटी वगैरह भी है, तो उसके लिए आप क्या फ्रेज यूज करेंगे, डज इट कम विद अ गारंटी और वारंटी। देन आई एम लुकिंग फॉर अ लेदर हैंड बैग, सपोज आप ढूंढ रहे थे, इतने में द पर्सन आर द हेल्पिंग स्टाफ जो वहां पे होता है वो वहां पे आ गया और आपकी तरफ देख रहे हैं और आप कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई एम लुकिंग फॉर अ लेदर हैंड बैग, ठीक है, एंड वुड यू हैव दिस इन अनदर कलर, तो मुझे अब ये लोग आप बताएं जो मेरे सामईन सुनने वाले, ये कलर के आगे नीचे रेड लाइन क्यों आ रही है, सी ओ एल ओ आर के नीचे,
ठीक है, तो ये आपने ये याद रखना है कि सी ओ एल ओ आर ये अमेरिकन स्पेलिंग्स हैं और दूसरे जो है सी ओ एल ओ यू आर वो ब्रिटिश स्पेलिंग्स हैं और हम लोग ब्रिटिशर्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश है ना इसके, यानी दो मेन किस्में हैं समझ लें, एक अमेरिकन इंग्लिश है और एक ब्रिटिश इंग्लिश है, तो हम यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश को यूज कर रहे हैं। फॉर दैट रीजन ये यहाँ पे रेड कलर का एरर दिखा रहा है। देन डू यू हैव समथिंग लेस प्राइसी, ठीक है, तो लेस प्राइसी में लेस एक्सपेंसिव, तो ये भी एक टर्म यूज होती है, यानी मिसाल के तौर पर कोई भी चीज आपने देखी आप समझते हैं कि नहीं ये तो मेरी रेंज से बाहर है या थोड़ी महंगी है, तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इससे कम प्राइस में कौन सी चीज मुझे अवेलेबल हो सकती है। देन वेयर इज द फिटिंग रूम, ठीक है, तो चेंज रूम, फिटिंग रूम, ये आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गई शॉपिंग के बारे में। अब अगली बात मैंने आपको क्या कही है कि समटाइम्स अ पर्सन इज देयर, वो कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम्स किसी के स्टार्ट होने वाले हैं, किसी ट्रेवल पे जा रहे हैं, ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम उनको गुड लक गुड लक गुड लक गुड लक ये कहते रहते हैं। ठीक है, अगर आप अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं नो मैटर इन रिटन और इन स्पोकन, तो आपने क्या करना होता है, आपने हर दफा एक नया एक्सप्रेशन यूज करना होता है। ठीक है, यानी जैसे आप एसेज वगैरह लिखते हैं, इंटरव्यूज में अपियर होते हैं, तो अगर एक ही लफ्ज़ आप बार बार दोहराते रहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उससे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि ये एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर आप सुने, कोई भी चीज हम सुन रहे हो, आइदर यू आर लिसनिंग टू सम स्पीच और सम लेक्चर और एनीथिंग एल्स, तो क्या होता है उसमें कि अगर द स्पीकर आर द राइटर वो एक लफ्ज को बार बार यूज कर रहा है तो वो बड़ा हमें अजीब सा लगता है, यानी पढ़ते हुए हम उसको एंजॉय नहीं करते। फॉर दैट रीजन दीज आर सम ऑफ द एक्सप्रेशंस, इनको अलग कॉपी पे लिख लें, होपफुली आपने रजिस्टर बनाया हुआ है जिसपे सारे पॉइंट्स आप नोट करते हैं, तो उस पर ये सारे पॉइंट्स नोट करें। और अब आपसे अगर कोई कहेगा कि मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो अब आप उनको क्या कहेंगे, खाली गुड लक नहीं कहना बल्कि ये सारे वर्ड्स भी कहने, सॉरी वर्ड्स एंड फ्रेजेस ये भी आपने कहनी है। पहली है जी यू विल डू ग्रेट, ठीक है, यानी यू विल डू ग्रेट, यानी क्या करेंगे, आप बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देंगे, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, तो ये हम उनको कह रहे हैं। दूसरा है नॉक देम डेड, तो नॉक देम डेड मीन्स कि कोई भी जो मकसद वो हासिल करना चाह रहे हैं, हम उनको बूस्ट अप कर रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं, तो हम उनसे क्या कहते हैं कि नॉक देम डेड, यानी क्या है कि उनको आप गिरा दो, उनको ये ना कि हरा दो, तो ये हम उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इन द सेम वे सपोज सम मैच इज देयर और सम ट्रिप इज देयर और एनीथिंग इज देयर, तो द अदर सेंटेंस दैट यू कैन यूज यू आर गोइंग टू बी अमेजिंग, यू आर गोइंग टू बी अमेजिंग, ठीक है, यानी आपकी शानदार कारकर्दगी होगी। देन गॉड स्पीड ये लफ्ज हम कह सकते हैं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, तो इसका मतलब भी वही है गुड लक, लेकिन क्या हुआ कि आपने एक नया लफ्ज नई फ्रेज यूज की और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा लिसनर पर। देन आई विश यू लक इंस्टेड ऑफ गुड लक, आप क्या कहते हैं, आई विश यू लक, ठीक है, तो ये भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। फिर इसमें बेस्ट विशेज, आई होप थिंग्स विल टर्न आउट फाइन, ब्लो देम अवे, ठीक है, यू विल डू ग्रेट, विशिंग यू लॉट्स ऑफ लक, ठीक है, ये कितने हो गए, तकरीबन पांच हिस्पे हैं और पहली स्लाइड पे कितने थे, इस पे भी छह हिस्पे हैं, तो यानी कि 11 मुख्तलिफ एक्सप्रेशन आपके पास आ गए हैं जो कि आप गुड लक की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आपने क्या करना होता है, सिर्फ इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करें। ठीक है, और शुरू कैसे करेंगे, जब आप में करेज होगी, हिम्मत होगी, एंड नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, ये बार बार मैं बात रिपीट कर रहा हूं कि कभी भी मायूस नहीं होना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, इस वजह से जस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट एंड इंशाअल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके। सो एक और, बल्कि ये देखें नीचे और भी आ गए, नंबर 9 ये मैंने अभी देखे, सो दैट इज फिंगर्स क्रॉस्ड, ये आप कह सकते हैं, विशिंग यू अ लॉट ऑफ लक, यू आर मेड फॉर दिस, ठीक है, आई होप थिंग्स विल वर्क आउट ऑलराइट, मे द फोर्स बी विद यू, सो ऑल दीज वर्ड्स, इनका भी ये सारे का सारा मीनिंग कोई गुड लक ही बनता है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत अच्छी बात है,
और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो ही कोई न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, द नंबर इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।